सेवा को हंसे किए गए सेवा कार्य की कोई कीमत नहीं हो सकती। वे छुआछूत जैसे सामाजिक बुराई के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े रहे। श्री गुरु नानक देव जी ने अपना संदेश दुनिया में दूर दूर तक पहुंचाया। तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामना और बधाई दी है। साथ ही कई महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा मन के माध्यम से की है, संदेश दिया है। एक तो गांधी जी का 150वीं वर्ष जो मनाया जा रहा है, उन्होंने अपील किया है कि गांधी जी ने हमेशा कुटीर उद्योग की बात की और आज जो खरीदारी की जा रही है उसमें अधिक से अधिक स्थानीय स्तर पर, गांव के स्तर पर, तहसील के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर जो गांव से निकलकर सामान की बिक्री की जा रही है उसको खरीदने की अपील की। गांधी जी ने गुरु नानक की जयंती जो होने वाली है उसके संदर्भ में किया, गुरु नानक जी के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, संदेश के रूप में कई चीज़ों का जिक्र किया। वहीं 31 अक्टूबर को जहां लौह पुरुष पटेल जी की जयंती मनाई जाएगी तो पटेल जी की जीवनी पर भी उन्हें विस्तार से चर्चा किया और सबसे बहुत एकता, देश की एकता के संदर्भ में उन्होंने पटेल जयंती के अवसर पर लोगों को अपील किया है। और जो गुजरात में पटेल जी की जो बहुत बड़ी प्रतिमा, दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम पर, उसको देखने का भी अपील किया है। क्योंकि बहुत लोग वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ दो तरह की बातें हो रही है। एक तो एकता का संदेश, पटेल जी को जानने के लोग, इच्छुक लोग जा रहे हैं। वहीं उस इलाके में जब ये प्रतिमा एक साल पहले लगी थी, एक साल के बाद में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, टूरिस्ट लोग जा रहे हैं, वहाँ भी विकास और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। यही नहीं, आज दीपावली के अवसर पर जो कठिन परिस्थिति में हमारे सेना के जवान आज हमारी सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं, अपनी मुश्किलों में रहकर के दीपावली के दिन भी उनके जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो देश के प्रति भाव है उसको भी जिक्र करने का काम किया, उनको भी दीपावली की शुभकामना व्यक्त करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि कई महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा की मन की बात के माध्यम से। और हमेशा जब जब भी प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो देश की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। और आज यही नहीं, जहाँ पटेल जी को याद किया वहीं स्वर्गीय लेट प्रधानमंत्री रहे श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत की भी बात उन्होंने की, उनके प्रति भी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि व्यक्त करने का काम किया। तो मोटे तौर पर आज के मन की बात सुनकर के हम सब लोगों को और देशवासियों को बहुत ही लाभ मिला है। और इसलिए मैं खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को अपने तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। और लास्ट में हम भी अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र की जनता, बिहार की जनता और देश की जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हैं। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहठी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर, चंद्रान IAS एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम खुचियावाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक, उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर, जवाहरलाल रोड मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस, सोच के बनाया है, बिरयानी दरबार, वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल, सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीव, नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।